माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर पीएम आवास के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 माह यानी 30 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद पीडीए इन सभी आवेदनों को सूडा के पास जांच के लिए भेजेगा। सूडा द्वारा निर्धारित मानकों की जांच के बाद पात्र आवेदनकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। माफिया अतीक अहमद के कब्जे मुक्त कराई गई नूकरगंज की जमीन पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन रहे फ्लैट के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पीडीए की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंजीकरण के लिए पीडीए ने वेबसाइट को भी अपडेट करा दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 माह यानी 30 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद पीडीए इन सभी आवेदनों को सूडा के पास जांच के लिए भेजेगा। सूडा द्वारा निर्धारित मानकों की जांच के बाद पात्र आवेदनकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद पीडीए इन पात्रों की सूची के बीच लॉटरी निकालकर फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। पीडीए के अधिकारियों ने बताया कि आवेदक के लिए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण के समय लिया जाने वाला 5160 रुपए शुल्क आवंटन नहीं होने पर पीडीए की ओर से वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ 160 रुपए ही फार्म शुल्क वापस नहीं होगा। ऐसे करें ऑनलाइन पंजीकरण। पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आवेदक को पीडीए की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर उसे अथॉरिटी के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां जनहित सेवाओं के कॉलम में जाकर पीडीए के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर उस अकाउंट के जरिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय ही ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा। इनको मिलना है लाभ। लूकरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तैयार हो रहे फ्लैट के लिए 3 लाख रुपए सालाना आय वाले ही आवेदन कर सकते हैं। शहरी आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, विधवा व एकल महिला, उभयलिंगी एवं वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाएगी।